हेलो एवरीवन, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल सिम व्लॉग्स। आप सब, मैं आशा करती हूँ अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। और थैंक यू हमारे मेरे व्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। सुबह मुझे फीवर हो गया था, मैं आई थिंक सुबह सात बजे के अराउंड उठ गई थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा बॉडी में शिवरिंग हो रही थी। कल भी मुझे थोड़ा सा बुखार था, बट मैं कल ठीक हो गई थी। बट आज मुझे अगेन सुबह वही 7-8 बजे आई जस्ट वोकअप, और फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई एंड देन आई स्लेप्ट अगेन। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, और अब कोल्ड कफ तो वैसे ही मुझसे हो रहा है, बोला भी नहीं जा रहा। आई जस्ट होपिंग कि मैं वो व्लॉग्स का जो वो हमारा बॉन्ड है, वो इंटरेक्शन है, वो हमारा टूटे ना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक्टिव रहूँ, कोई बात नहीं, नो मैटर व्हाट हैपेंस टू माय हेल्थ, मुझे एक्टिव रहना है। नहीं हाँ, आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हो सब। इतनी गर्मी मतलब हो रही है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी, धूप देख रहे हो आप, मतलब स्कॉर्चिंग वाली गर्मी है। इस टाइम पर तो ऐसा होता है कहीं मत जाओ। मम्मा अच्छा क्या बना रहे हो तो बता दो। गाइस हर बार जब मेरा व्लॉग बनता है हर बार गुस्सा हो जाती है, हमेशा गाय। अच्छा देखो ये कोई काम नहीं, तो पहन के आओ चप्पल। अगला बंदा धूप में खड़ा हुआ है। पार्सल तेरे उठाऊ मैं ना, पैसा ही बहुत है ना तेरे पे। मम्मी हो गई हमसे गुस्सा, हमें नाश्ता बनाने पड़ेगा खुद, ऐसी बीमार हालत में कुछ कर नहीं सकते, सब तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। तो बदनाम भी कर रही हूँ, दिखाया है मेरे मम्मी गुस्सा हो गई है, बदनाम भी करते हो। एवरीथिंग इज रेडी, मम्मा ने तैयार तो सब करके रखा है, पर अब मेरे को लगा था मम्मी अपने लिए मेरे लिए बना रही है जो पहले वाला था, लेकिन वो बनाया मम्मी ने अपने लिए था, तो मैं बेइज्जती हो गई, मैं जैसी प्लेट उठाने लगी। आई डोंट नो गाइज, मेरे से ना जो ये वाली चीजें होती है ना, चीले वगैरह, ये सब ना वो हो जाते हैं, मुझसे टूट जाते हैं, मुझसे बनते नहीं है। आई डोंट नो गाइज, इसलिए मैं मम्मा को ही बोलती हूँ। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं अपनी दवाइयाँ खाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मुझे अपना हेड वॉश भी करना है और मुझे आगे ट्यूशंस भी पढ़ाने जाना है और लंच भी खाना है। तो अभी तो मेरे को अभी मैं डॉक्टर को विजिट नहीं कर रही हूँ एज फॉर नाउ, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरा रात तक भी बुखार नहीं उतर रहा है, देन आई डेफिनेटली विजिट टू डॉक्टर बाय टमोरो, क्योंकि फिर बात ना ज़्यादा होती है, क्योंकि 2 दिन हुए हैं ऑलरेडी ना, तो मेरे को दवाइयाँ खानी, और मेरे 1 हफ्ते से हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरी उसकी मेडिकेशंस चल रही है साथ साथ। मैंने अपना हेड वॉश कर लिया है गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग, मेरी आँख ही देख रहे हो, मतलब ऐसी हो रही है कि बंद बंद सी नज़र लगी है मेरे को। 4 व्लॉग नहीं करे मैंने, वो नज़र लग गई है इस नज़र, मम्मी से ना शाम को मम्मी आएगी, मैं नज़र उतरवाऊंगी पहले। ओके सो जोक्स अपार्ट, तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। कहते हैं ना, नहा कर 100 बीमारियाँ दूर हो जाती है, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है ना। और पता है जो ये कोल्ड कफ की वैसी दवाइयाँ होती है ना, ये बहुत हैवी होती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना नींद भी बढ़ी आ रही है, लेकिन मेरे को अनफॉर्चुनेटली अभी ट्यूशन भी जाना है पढ़ाने, और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं दलिया बनाऊँ, लेकिन दलिया मैं स्किप कर रही हूँ अभी बनाना, क्योंकि ना ऑलरेडी लेट है, तो अभी बनाऊँगी खाऊँगी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मैं बहुत स्लो हूँ कुकिंग में ना, तो इसीलिए तो आधे घंटे में कुछ नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं फ्रूट्स खा रही हूँ इंस्टेड ऑफ मेकिंग दलिया, और मैं खा रही हूँ कीवी और एप्पल, और दोनों मेरे फेवरेट। ओके सो मैं अब अपने फेस पर लगा रही हूँ मिस्ट, और आपके पास भी फेस मिस्ट बहुत इसेंशियल है, समझ कह रहे तो वैसे, क्योंकि
अगर ये मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर रखती हूँ तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा ना गर्म सा हो जाता, तो वो लगाने में रिफ्रेशिंग नहीं लगता। ये मैंने यहाँ वाला जो हमारा एरिया है घर का, मैंने वहाँ करी थी और मेरे को यहाँ पे स्पेस नहीं मिली थी, मुझे अपना फ़ोन करा क्योंकि फ़ोन बहुत नीचे हो रहा था तो दिक्कत हुई थी मुझे। तो मैंने ये था मेरे प्रोडक्ट्स, ये रहा मेरा बिस्किट का डब्बा और ये खाली डिब्बा लेकर यहाँ पे फ़ोन रखा एंड देन आई मेड अ वीडियो। है ना, दिमाग लगा ही लेती हूँ मैं, जुगाड़ लगा लेती हूँ। मैं कैसी टीचर लग रही हूँ गाइस? वाली टीचर लग रही हूँ जो बहुत स्ट्रिक्ट सी लगती है ना, खड़ूस सी, है ना, वो वाली या फिर वाली जो अच्छी लगती है ना, जो टीचर अच्छी है। तो कमेंट्स में बता। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ पढ़ाने, कितनी तेज़ धूप में। मैं सच बताऊँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा, किसका मन करता है इतनी धूप में। ओके गाइस, तो मैं आ गई हूँ ट्यूशन से घर अपना, और फेस देख रहे हो मेरा फेस कितना ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, और दोपहर को इतना सही था और अभी देखो स्वेट इतना ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा 3-4 दिन से गर्मी है ना, मतलब अनबेरेबल। ओके सो ओके, तो मेरे को अभी जाना है गुरुद्वारे मत्था टेकने, तो अभी मैं घर आई हूँ और मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मा कह रही कि उन्होंने ऑलरेडी मत्था टेक लिया था। तो ये घर आ गई हैं, शक्ल देख रहे हो इनकी, सुबह तो आप गुस्सा दे रहे हो मेरे से, फ्रेंड्स हो गए हम, फ्रेंड्स नहीं, अभी भी मुंह बना हुआ है, गजब बेइज्जती है। क्यों अभी भी मुंह बना हुआ है? अरे क्यों, इतना थोड़ी गुस्सा कोई करता है बच्चों से। गाइस बताओ, माएं इतनी देर तक गुस्सा रह सकती है बच्चों से? बताओ, कमेंट में बताओ, आपकी मम्मी कितनी देर तक मुंह बना के बैठी रहती, गुस्से में रहती, ये तो एक दिन निकालती है। तो कार्तिक और मम्मा लेके गए थे दादी को एक्सरे के लिए, और उनके ना अभी थोड़े दिन पहले शी फेल डाउन फ्रॉम समवेयर, तो उनके काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, तो उनका पूरा जैसे जो घुटना होता है वो उनके पूरे मतलब पूरा छिल गया, तो डॉक्टर ने अभी बताया है कि उनका थोड़ा सा ना क्रैक आ गया उनकी बोन्स में। ओके गाइस, पहले मैं अमेज़ॉन की सर्विसेज से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं सच बताऊँ अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 4 दिन से मैंने रिंग लाइट, 4 दिन हो गए, वो रिंग लाइट ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है, कोई भी रिटर्न के लिए उसे मैंने रिटर्न किया और कोई भी पिकअप के लिए नहीं आया। अभी हमेशा जब इन लोगों से बात करती हूँ तो मुझे कहते हैं कि ओके भेज रहे हैं, और कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता, अभी तक बंदा नहीं आया। आज भी 17 को बोला था पॉसिबली आ जाएगा, लेकिन नो वन केम, आज भी कोई नहीं आया। गुस्सा मुझे इतना चढ़ रहा है सीरियसली। ओके सो मैं इस रिंग लाइट की बात कर रही थी, इसकी मैं आपको बता रही थी कि ये देखो ये हो रहा है इसके साथ, ये प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं ऐसे में कैसे काम करूं? ये जो इसका स्क्रू है ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइट है कि मैं इसको खोल भी नहीं पा रही हूँ, आई कांट एबल टू ओपन इट, इतना ज़्यादा टाइट है। उसके बाद भी ये इट्स मूविंग लाइक दैट, वो होएगा ही नहीं, शूट ही नहीं हो पाएगा। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट वगैरह तो बहुत अच्छी है, देखो सब कुछ सही आया, लेकिन ये ऐसे हो रहा है, वो इतना पीछे जा रहा है, एटलीस्ट वो स्टिल तो रहे, वो अपने आप ही उसकी मुंडी ऐसे गिर जाएगी तो फिर फायदा तो क्या। मुझे अपनी इंस्टाग्राम के लिए एक वीडियो बनानी थी, तो मैंने वीडियो बना ली है और अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और तबीयत मेरी थैंक गॉड पहले से बेटर हो गई है, टच वुड। तो अब मैं खाना खा के उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, फिर गुड नाइट बोल के सो जाती हूँ, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं ना वो बहुत हैवी हैं, तो बहुत नींद आ रही है उससे, बट या अभी हाईली एक्टिव हूँ तो दिस इज़ द गुड थिंग। तो मम्मा ने बनाया आज आलू, ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट आलू है, और ये है पुलाव। अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया। ये तो उधर मुंह करके कहाँ खाना खा रहा है, उधर मुंह करके खाना क्या खा रहा है वैसे? तो देखो घर में और कहीं जगह नहीं मिली खाना खाने के लिए? तू मैंने लगा दिया ना। अच्छा, मैं तेरे खाने को ही नज़र लगाऊंगी, मतलब गाइस आप देख रहे हो हम सब ने खाना खा लिया है, ये 12 बजे अपनी अलग से प्लेट लेकर बैठे खाने कि आपको ये हमारी मस्ती छोटी छोटी जो है वो बहुत अच्छी लगती हो व्लॉग्स में, ऐसे ही हमें प्यार देते रहे, अपना ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। और अभी मैं से बोला नहीं जा रहा, मतलब जा रहा, देख रहे हो जा रहा, वो ज़ारा बोल रही हूँ, ज़ारा, हाँ, तो बोला नहीं जा रहा कि मेरी दवाइयाँ वैसे ही चल रही है, अभी तो बहुत नींद आ रही है उस वजह से ना। आई एम होपिंग कि मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम ID simlogs, एंड या नमस्ते, और अपने मम्मी पापा को बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार दीजिए, उनका ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें, धूप बहुत हो रही है, ठंडा पानी, ठंडा जितना पी सकते हैं उतना पिए, वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके सो बाय बाय माई यूट्यूब फैमिली, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। सही में भाई जो होते हैं ना वो
मतलब भगवान ने आपकी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए बनाए होते हैं। अभी मुझे कह रहा है जो चावल एक बार चेक करके कि मैंने फ्रिज में रखे हैं कि नहीं, तो मैंने कहा तू जा, तूने अभी ठूसे थे, मैंने नहीं ठूसे थे, 12 बजे अभी इसने खाए हैं और चावल रखे, देखो बाहर ही हुए हैं, हाल देख रहे हो अब इसका, मतलब इतना खा खा के ना भूसा भर गया दिमाग में, चलता नहीं है अब इसका। और मुझे कह रहा है कि मम्मी तुझे डांटेगी बाद में क्योंकि तूने राइस नहीं रखे हैं, चावल तू रखना भूल गई। मतलब अपनी बीमार बहन को ऐसे कोई परेशान करता है क्या? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।